निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अब राजनेता मैदान में उतरकर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं कानपुर देहात पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि जिन बर्फ की चोटियों पर राहुल और प्रियंका बर्फ से खेल रहे हैं उन वादियों में अब गोलियां नहीं चलती, वहां सेना के जवानों पर फूल बरसाए जाते हैं। वहीं स्वतंत्र देव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, उसके पीछे कारण है, नंबर एक देश के सम्मान के लिए, नंबर दो गरीब के कल्याण के लिए। जो गरीब कल्याण योजनाएं देश के अंदर, जिनका अपना करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, आज सभी घरों में शौचालय है, करोड़ों लोगों का अपना आवास है, सभी घरों के उत्तर प्रदेश में अपना बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, सभी की प्रधानमंत्री बीमा योजना है, सभी के घरों में प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, मुख्यमंत्री, ये सभी के घरों में पहुंच रहा है। और अब तो यहाँ तक सभी घरों में, 1 करोड़ के घरों में उत्तर प्रदेश में नल का कनेक्शन अपना है और सीधे शुद्ध पानी पहुंचेगा।